आपके प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं, कितने प्रत्याशी हैं और क्या तैयारी है आपकी? देखिए आज हम 34 के 34 आज नामांकन करने जा रहे हैं। यहाँ बिलासपुर से 5 कैंडिडेट हैं, मिलक से हैं 5, यहाँ से लेके चल रहे हैं, बाकी मिलक के बाहर आपको पार्टी कराने के कॉन्टेंट है, और इकट्ठे वहाँ पे 32 के 32 हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो उम्मीदवार हैं सभी उस पर पर्चा दाखिल करना। तो जिस तरीके से बीजेपी को चैलेंज भी दिया गया है, तो क्या लगता है आपको, क्या चेतावनी है? हमेशा चैलेंज से को स्वीकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने के बाद 5 साल काम करती है, और कोई ये नहीं कि आज पंचायत के चुनाव आए हैं तो पार्टी तैयारी कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में तैयारी में लग जाता है, और यही है कि दर पर्दा सारे स्टेट उत्तर प्रदेश समेत सारे स्टेट आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। और आप देखें कि कुछ जिलों में कलकत्ता भी, बंगाल भी हम जीतने जा रहे हैं, और हमारा उत्तर प्रदेश में ये जो पंचायत जिला पंचायत का परचम झंडा लहराएगा, हमारे हर जिले में जिला। ठीक है संतोष खेरा जी, आप बताइए, आज आपने भी जो है काफी हुकार भरी है वाहनों के साथ, आज आप जो है नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए माननीय मंत्री ने बताया, जनता का प्यार है और जो भ्रम है वो टूटना चाहिए। जनता प्यार चाहती है, ईमानदारी चाहती है, स्नेह चाहती है, और हम जनता के बीच में, किसान पुत्र मैं जनता के बीच में रात दिन सेवा करता हूँ जनता की, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेके चलने के लिए अपनी व्यक्तित्व छवि के ऊपर, मैं अपनी व्यक्तिगत छवि के ऊपर मैंने अपने भाइयों से अर्ज करी कि आप निकलिए भारी संख्या में और मेरे मतदान में शामिल होइए, और मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया। 250-300 गाड़ियों से हर समुदाय का वर्ग, मजे की बात यह है कि हर समुदाय मेरे साथ निकल के बाहर आया। तो क्या लगता है इसको, इस सभी धर्म के वोट मिलेगा आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी? ये जब खुल के कोई व्यक्ति सामने नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, सामने आ गया तो क्लियर हो गया। आप देखिए मेरे मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, मेरे सिख भाई भी खड़े हैं, मेरे हिंदू भाई भी खड़े हैं, मेरी पार्टी के लोग खड़े हैं, तो एक गुलदस्ता महकता हुआ। मेरे साई भाई भी हैं, अच्छा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ता वार्ड नंबर 2 के अंदर भाईचारे का और विकास का खड़ा होने जा रहा है, और ईमानदारी की जीत। किससे मुकाबला है आपका? मेरा मुकाबला भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ठीक। और मैं काफी लंबे समय से जो है राजनीति में हूँ, बिलासपुर में ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ, इस समय मैं मौजूदा जो है भूमि विकास बैंक का चेयरमैन हूँ, और मैं जो है कर्मठ सिपाही हूँ पार्टी का, और मैं सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में यदि मैं चुना जाता हूँ तो क्षेत्र में जो है चौमुखी विकास करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, क्षेत्र की जनता का जो है एक